हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जो है एक न्यू जीमेल अकाउंट जो है क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि हमारा वर्किंग और एप्लीकेबल होगा सभी गूगल एप्लीकेशन जितने भी अवेलेबल है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो मैप्स हो, यूट्यूब हो, गूगल ड्राइव हो, फोटोज हो, प्ले स्टोर हो या फिर क्रोम हो। इन सभी एप्लीकेशन के लिए जो है हम एक सिंगल अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि इन सभी के लिए जो है वैलिड होगा। और इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप अपने कोई भी प्रोफेशनल या फिर कम्युनिटीज वर्क को जो है कर सकते हैं। तो बिफोर वी क्रिएट एन अकाउंट, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जीमेल अकाउंट को क्रिएट करने के हमारे बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, हम बहुत सारी गूगल की एप्लीकेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जीमेल अकाउंट। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस ये हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक मेल, ड्राइव, गूगल डॉक, शीट्स, स्लाइड्स, कैलेंडर, चैट, मीट, गूगल मीट जो कि एक मीटिंग प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह जो है आप बहुत सारी गूगल की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ ईमेल। और इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप किसी भी प्रोफेशनल या फिर कम्युनिटी वर्क को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट एंड बिगिन विद द हाउ टू क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट। सो हमारी जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले हमें हमारे गूगल पे या जो भी वेब ब्राउजर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें मूव करना है और वहाँ पर हमें टाइप करना है जीमेल। जैसे ही मैं जीमेल टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा जो कि हमारा ऑफिशियल पेज होगा गूगल जीमेल का, उस पर हमें क्लिक कर देना है। एंड देन जैसे ही हम उस पेज पे आ जाते हैं, उस समय जो है हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जहाँ पे हमें लिखा जाएगा साइन इन टू कंटिन्यू टू जीमेल। यानी अगर हमें हमारे जीमेल आईडी को या फिर ईमेल आईडी को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें साइन इन करना होगा। और साइन इन जो है उन यूज़र्स के लिए होता है जिनका जीमेल अकाउंट जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी कि बना हुआ है। बट जैसे कि मेरे पास मेरा कोई भी ईमेल आईडी नहीं है, पहले मेरा जीमेल कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, सो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप उन यूज़र्स के लिए होते हैं जो कि एक नया अकाउंट जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसी स्क्रीन के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट का। क्रिएट अकाउंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि मुझे प्रोवाइड करते हैं कि मुझे किस चीज़ के लिए जो है अकाउंट क्रिएट करना है। सपोज़ अगर मैं मेरे लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ फॉर माई पर्सनल यूज़, तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करूँगा फॉर माई सेल्फ पे। एज ए पेरेंट अगर आप अपने चाइल्ड के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर माई चाइल्ड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको एक प्रोफेशनल या एक बिजनेस जीमेल या फिर ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा टू मैनेज माई बिजनेस पे। सो सपोज़ मैं यहाँ पे अभी मेरे पर्सनल यूज़ के लिए जो है यूज़ करना चाहता हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर आप जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर माई सेल्फ पे क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जहाँ पे जो है मेरे पास लिखा हुआ टाइटल आएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट जो है एक ही अकाउंट होता है जो कि सभी एप्लीकेशंस जो गूगल प्रोवाइड करते हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट नेम एंटर करना है। सो फर्स्ट नेम सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैंडमली जो है कोई एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे नेम टाइप करना है और लास्ट नेम मैंने टाइप कर दिया। ये जो था मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना था जो कि मेरी ईमेल आईडी का नेम नहीं था। ये जो था मेरा सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था। सो जैसे ही मैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ या फिर नेक्स्ट मेरे टैब पे आता हूँ जहाँ पे मेरी ईमेल आईडी का नेम जो है क्रिएट होगा, यानी कि यूज़र नेम जो है मेरा ईमेल आईडी का वो क्रिएट होगा, उसके लिए जो है यहाँ पे गूगल या फिर जीमेल जो है क्या कर रहा है, मुझे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी के नेम्स जो है सजेस्ट कर रहा है। सो सपोज अगर आपके माइंड में कोई भी ईमेल आईडी का नेम स्ट्राइक नहीं करता है तो आप गूगल के इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली जो है आपके न्यू ईमेल अकाउंट का नेम जो है यहाँ पे प्रेफर करता है या फिर आपको रेकमेंड करता है। तो सपोज़ मैं इसे यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा, ईमेल आईडी का नेम जो है यहाँ पे टाइप कर दूंगा यूज़र नेम। उसके बाद मुझे नेक्स्ट मूव करना है पासवर्ड के लिए। बट जैसे ही आप नेक्स्ट यूज़र नेम से पासवर्ड पे गो थ्रू होंगे, आपके पास ऊपर जो है ईमेल जहाँ पे हमने यूज़र नेम मेंशन किया था वहाँ पे एक रेड कलर की बाउंड्री शो होगी और वहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा दैट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। बिकॉज हर एक पर्सन का जो है जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट जो है सेपरेट होता है, इसलिए जो है हमें एक ऐसा यूनिक नेम डालना है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी यूज़र जीमेल यूज़ कर रहे हैं उनके नेम से मैच ना करता हो, यानी कि यूनिक और डिफरेंट हो।
तो मैंने मेरा यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर दिया HIJKL4410। ये जो है मेरी ईमेल आईडी है जो कि जिस नेम से जो है मेरी यहाँ पे शो होगी, या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है हम कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो हमें यूजर नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ईमेल आईडी का HIJKL4410@gmail.com। अब ये टाइप करने के बाद मुझे जो है नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड पे मूव करना है और यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड टाइप करूँगा। जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैं पासवर्ड टाइप करके यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड शो करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो आप अपना पासवर्ड चेक करना चाहते हैं कि मैंने क्या टाइप किया है, तो आप यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और एंड देन जैसे ही मैं सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, मेरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम जो कि मेरा ईमेल आईडी का नेम होगा, एंड देन पासवर्ड, एंड देन मुझे सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे रिकमेंडेशन देगा कि प्लीज़ चूज अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड। हमें जो है एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि इजीली जो है पर्संस एक्सेस ना कर पाए ताकि आपके ईमेल अकाउंट में जो डेटा है वो सेफ रहे। तो इसके लिए जो है मुझे यहाँ पे सभी अल्फाबेट्स, सभी यहाँ पे सिंबल्स और सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का जो है यूज़ करना होगा। और कुछ ऐसा पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे जो कि थोड़ा सा गेस करने में जो है डिफ़िकल्ट हो। तो जैसे हम हमारा पासवर्ड जो है एंटर कर देंगे जो कि हमने वहाँ पर टाइप किया है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है मैसेज आएगा। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो ABCDEFG जो है हमने यहाँ पे डाला था, और वेलकम टू गूगल। सपोज़ अगर मैं रैंडमली एक नेम पिक करूँ राहुल, तो अगर मेरा फर्स्ट नेम राहुल है और मैं राहुल के नाम से ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ एज ए फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मेरा मैसेज आएगा राहुल वेलकम टू गूगल। एंड देन नीचे जो है मेरी ईमेल आईडी जो है वो लिखी होगी। और उसके बाद जो है अगर हम हमारे ईमेल आईडी को सिक्योर और सेफ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। सपोज़ यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डालना ऑप्शनल है तो मैं यहाँ पे अभी इस पार्ट को स्किप करूँगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना होगा। सपोज़ आपके ईमेल अकाउंट के साथ जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और पर्सन का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जो कि आपके नोन में हो। सपोज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी ईमेल आईडी या फिर गूगल अकाउंट को एक्सेस करने में, तो उस पर्सन की ईमेल आईडी की हेल्प से जो है आप अपने ईमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेंशन करना है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ हमारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ मेंशन करेंगे, आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन लास्ट हमें मेंशन करना है जेंडर, तो मैंने यहाँ पे जेंडर मेल टाइप कर दिया एंड देन मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट पे। तो जैसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हमारी बेसिक डिटेल्स को डाल के, यहाँ पे हमारे पास गूगल की कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी एग्रीमेंट को रीड करते हुए लास्ट में हमें क्लिक कर देता है आई एग्री पे, यानी कि हम इस एग्रीमेंट में जो जो डिमांड्स हैं उन सभी को फॉलो करते हैं। जैसे ही मैं आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा आप देखेंगे मेरे पास ऑटोमेटिकली गूगल वर्क स्पेस ओपन होगा, यानी कि हमारा जीमेल ओपन होगा, जिसमें कि आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो है ईमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स को मेल से कनेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की हेल्प से जो है आपका एक जीमेल अकाउंट जो है सेफली और सिक्योरली जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस जीमेल अकाउंट की हेल्प से जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था आप कोई भी गूगल की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब को एक्सेस करूँगा तो मैं डायरेक्टली सिंपली यूट्यूब पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो YouTube है वो ओपन हो जाएगा मेरे अकाउंट के साथ, और आप देखेंगे कि मेरा जो ईमेल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ पे मेरा एक्सेस हो चुका है। और आप किसी भी चैनल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और कोई भी वीडियो को जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं उसकी वीडियो को, आप कोई भी वीडियो इजीली देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसके ऊपर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप एक ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल अकाउंट, आप किसी भी गूगल के एप्लीकेशंस में इस ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफेशनली या फिर मैं बात करूँ अगर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स भी जो है इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप अपनी मीटिंग्स को, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।